कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे आज खास तौर से बाजारों में सोयाबीन के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सोयाबीन में, आज क्या कीमतें चल रही है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रेट के बारे में विस्तार जानेंगे। इसलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। कीमतों में आज स्थिरता के साथ कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में आज सुधार देखा गया है, जिसको देखते हुए आज हल्का सुधार घरेलू मार्केट में भी देखा गया है, लेकिन खाद्य तेलों के दाम अधिकतर जो हैं वो स्थिर देखे जा रहे हैं। जानकारों के अनुसार आयातित खाद्य तेलों में कीमतों में बड़ी तेजी आने के आसार कम है और इसीलिए घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में ज्यादा तेजी नहीं दिख पा रही है। सोयाबीन में प्लांटों की मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है, जबकि आवक बनी रहने की वजह से इसके दाम में हल्का सुधार आने का अनुमान लगाया जा सकता है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कीमतों में स्थिरता को देखते हुए कारोबार आज देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में लाल सोयाबीन धान का रेट 5180 है, धनराज प्लांट कीमतें 5300 है, 40 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है। सोलापुर में सदगुरु प्लांट का रेट 5200 है, नारेड में श्रीनिवास कैरफी प्लांट कीमतें 5150 है, मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट का रेट 5275 है, एमएस सोलस प्लांट कीमतें 5250 है, धनका प्लांट कीमतें 5300 रुपए बाजार में लेकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब विदेशी बाजारों को देखते हुए हल्का सा सुधार आज घरेलू मार्केट में जरूर बना हुआ है, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।